आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर को हम यूज़ करते हैं सब्सिट्यूट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बोला मैंने, कि हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ करते हैं सब्सिट्यूट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को स्ट्रिंग में। ठीक है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर्स के साथ। और लाइक ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के अंदर सर्च करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न्स कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब वाइल्ड करेक्टर्स इन एमएस एक्सेस, तो जैसे कि स्टार लिखा हुआ है, स्टार सिंबल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो को या उससे बड़े करेक्टर्स को। ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंगल करेक्टर को। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोई भी सिंगल करेक्टर्स को जो ब्रैकेट के अंदर है। एक्सक्लेमेशन सिंबल रिप्रेजेंट करता है कोई भी करेक्टर्स को जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। और डैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर्स को जो स्पेसिफाइड रेंज के अंदर हैं। हैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल न्यूमेरिक करेक्टर्स को। ठीक है, फिर हमारे पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। जैसे परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है जीरो या बड़े करेक्टर्स को, डैश अंडरस्कोर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंगल करेक्टर्स को, और स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर्स को जो ब्रैकेट के अंदर हैं। और ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी करेक्टर्स जो ब्रैकेट के अंदर ना हो। और फिर डैश आता है जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर्स को जो स्पेसिफाइड रेंज के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद लाइक ऑपरेटर्स के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम लाइक ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं। तो लाइक ऑपरेटर्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, तो अगर आप इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें कि मैंने क्या बोला है और क्या समझाया है। यहाँ पे हमने एक डेमो डेटाबेस ले रखा है। अब हम यहाँ पे परसेंटेज वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर सिटी लाइक BER, और फिर परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि BER से स्टार्ट होना चाहिए सिटी का नाम, और बाकी उसके बाद परसेंटेज, मतलब कुछ भी हो। ठीक है, इसको मैंने लाइक ऑपरेटर वाली वीडियो में सही से समझाया है, इस चीज़ को एग्जाम्पल भी शो किए हैं, तो एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सिटी को सिलेक्ट करना है हमें, जहाँ पर सिटी में बीच में ES आना चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बीच में ES जरूर आना चाहिए। फिर अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब होता है, फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़कर उसके बाद ONDON आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लाइक ऑपरेटर का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर BSP और फिर परसेंटेज लिखा है। तो इसका ये मतलब है कि हमें उन सेलेक्ट करना है कस्टमर नाम की टेबल में से उस डेटा को जो कि सिटी जो है वो स्टार्ट हो रही हो B से, S से और P से। ठीक है, तो इसकी और फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन वाला। तो इसमें क्या होगा, जो सिटी जो स्टार्ट नहीं हो रही BSP से, वो डेटा हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुकमार्क कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें।